सर आपसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है, किस तरह की तैयारियां? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की राजनीति का एजेंडा परिवर्तित कर दिया। देश की राजनीति का नरेटिव पिछले 10 साल में परिवर्तन होकर के अब राजनीति विकास पर आधारित राजनीति हो गई, और भारतीय जनता पार्टी ऐसा राजनीतिक दल है जो केवल इलेक्शन के समय में किसी मशीन के रूप में तैयारी के लिए काम करके और राजनीति नहीं करती। हम सामाजिक सरोकार के विषयों के साथ में जुड़े रह करके निरंतर 5 साल तक जनता के बीच में रहते हैं। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। कोरोना की वैश्विक महामारी के समय में पूरे विश्व के लोग और दुनिया भर की पॉलिटिकल पार्टियां जब हाइबरनेशन में चली गई थी, हाइबरनेशन मतलब सुषुप्तावस्था में चली गई, सारे नेता घरों के अंदर दुबके हुए थे, तब भारतीय जनता पार्टी का बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ता से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सब अपनी जान को जोखिम में डालकर के धरातल पे काम कर रहे हैं। हम निरंतर अपनी पार्टी के संगठन की धार को तेज करते हुए कार्यकर्ताओं को एक सामान्य सदस्य के रूप में भर्ती करके कार्यकर्ता बना करके बाद में नेता बनाने तक की प्रक्रिया के साथ में काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने जिस तरह से गरीब के जीवन को परिवर्तन किया और देश का सम्मान बढ़ाया, इस विषय को हम देश के आम मतदाता तक लेकर के गए हैं। और इस तैयारी के आधार पर कि हमने जो कुछ बदलाव करने में सफलता प्राप्त की है और आने वाले समय में भारत को विकसित बनाने के लिए जिस तरह की आवश्यकता है, उस तैयारी के साथ में हम चुनाव के मैदान में डटे हैं और अब की बार 400 पार का संकल्प लेकर के जुटे हैं। जब 2014 में हम 272 प्लस ये आंकड़ा लेकर के आए थे, तब आप सहित देश की राजनीति की समीक्षा करने वाला कोई भी चैनल, कोई भी प्रिंट मीडिया, कोई भी वेब मीडिया, कोई सफोलॉजिस्ट जब इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था कि भारत में 30 साल से जो कोएलिशन गवर्नमेंट मिलीजुली साझा सरकारों का जमाना चल रहा था, उस समय भारत में कोई पूर्ण बहुमत की सरकार बन सकती है, लेकिन देश की जनता ने एक नए आशा की किरण के रूप में मोदी जी को देखते हुए पूर्ण बहुमत की सरकार हमारे आंकड़े से भी 10 से ज्यादा सीटें देकर के 282 सीटें देकर के दी। हमने 5 साल तक जिस तरह से ईमानदारी पूर्वक काम किया, धरातल पर लोगों को सरकार उनके लिए काम करती है, गरीब के लिए काम करती है, महिला के लिए काम करती है, दलित के लिए काम करती है, पीड़ित के लिए काम करती है, वंचित के लिए काम करती है, शोषित के लिए काम करती है, और सरकार के संसाधनों की वरीयता जो है वंचितों के लिए। तब देश की जनता ने, हमने जब लक्ष्य लिया कि हम अब की बार 300 के पार जाएंगे, तब शायद लोग हंसते थे, लेकिन देश की जनता ने 303 दिया। और इस बार हमने लक्ष्य तय किया कि हम 400 के पार जाएंगे, राजस्थान में 25 सीटें जीतेंगे और देश में 400 के पार जाकर के देश के सारे बड़े और कड़े फैसले जो बाकी रह गए उन सब फैसलों पर काम करेंगे।